सभापति महोदया अतिथि विशेष। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। दोस्तों रोज की तरह आज की हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आमिर खान की फिल्म थ्री इडियट्स की बात करते हैं तो रैंचो के साथ साथ सबको साइलेंसर की भी याद आ जाती है। इस फिल्म में साइलेंसर ने अपने अनोखे अंदाज से ही हर किसी को हंसाया था। इस फिल्म को बार बार देखने वाले साइलेंसर के किरदार की तारीफ करते नहीं थकते। आज उस साइलेंसर यानी एक्टर ओमी वैद्य के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ओमी ने अपने साइलेंसर के किरदार से लोगों के मन में एक अलग जगह बना ली थी। आज वह भले ही बॉलीवुड में नजर नहीं आते हैं लेकिन लोग उनके एक्टिंग की तारीफ करते नहीं थकते हैं। आइए आज हम उनके बारे में ही बात करते हैं। आपको बताते हैं कि अब क्या कर रहे हैं ओमी और क्यों हो गए हैं फिल्मों से दूर, और साथ ही उन्हें खुद के साइलेंसर का किरदार क्यों नहीं आया था पसंद। ओमी वैद्य का जन्म 10 जनवरी 1982 में अमेरिका में हुआ था। ओमी ने लॉस एजेंसी काउंटी हाई स्कूल ऑफ द आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। ओमी ने फिल्म जगत में अपने कैरियर की शुरुआत साल 2005 के दौरान अंग्रेजी फिल्में और टीवी शो से की थी। आमिर खान की फिल्म थी थ्री इडियट्स में ओमी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद वह देसी ब्यास, जोड़ी बेकर्स और मिरर गेम जैसी फिल्मों में भी नजर आए थे। आपको बता दें कि ओमी वैद्य अब पूरी तरह से अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं, वह अब भारत में नहीं रहते हैं। यही कारण है कि वह बॉलीवुड की फिल्मों में नजर नहीं आते हैं। हालांकि भारतीय फिल्में और वेब सीरीज के प्रति उनकी चाहत अभी भी कायम है। आपको बता दें कि ओमी वैद्य फिलहाल ग्लैमर वर्ल्ड से दूर अपने परिवार को पूरा समय दे रहे हैं। कोरोना काल में उन्होंने लॉकडाउन और कोरोना वायरस से मिथक को तोड़ने के लिए एक वेब शो की शूटिंग भी की थी। वहीं इस वेब शो की शूटिंग के लिए कैमरा ओमी वैद्य की पत्नी ने चलाया था। ओमी वैद्य ने भले ही फिल्मों से दूरी बना ली हो लेकिन वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की थी जो काफी वायरल हो गई थी। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान जब ओमी से पूछा गया कि क्या उनमें थ्री इडियट्स का हैंगओवर जारी है तो उन्होंने कहा था, करेक्ट, लार्जर देन लाइफ है। मैं अब भी कोई फिल्म करता हूं तो लोग हमेशा मेरी उसी परफॉर्मेंस की बात करने लगते हैं। एक तरफ ये मेरे लिए वरदान है तो दूसरी तरफ मेरे लिए अभिशाप भी है। लोगों को क्या पसंद है ये जानना जरूरी है। ओमी वैद्य ने इस इंटरव्यू में कहा था कि जिंदगी में हर तरह का किरदार करना जरूरी होता है लेकिन मेरे साइलेंसर की परफॉर्मेंस ने बेंचमार्क इतना हाई कर दिया है कि देसी वॉइस हो या फिर दिल तो बच्चा है जैसी फिल्मों में मेरी स्किल्स को उतनी प्रशंसा नहीं मिली। ओमी के अनुसार इंडस्ट्री देखती है कि लोग क्या पसंद करते हैं और क्या करते हैं। वेल दोस्तों, आप ओमी वैद्य को जानते हैं, उनकी फिल्में आपको कैसी लगती हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम और खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।